हम बनाए रहे हैं इस तरह का टिंडे का ग्रेवी वाली सब्जी। कुकर में 15 से 20 मिनट में यह सब्जी बनके तैयार हो जाता है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले हम टिंडे को काट लेते हैं। टिंडे को हम मोटा मोटा काटेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं काटेंगे, इस तरह से। और इसे हम कुकर में बनाएंगे, इस तरह से मोटा मोटा पीस काटेंगे। टिंडा कट गया, अब हम प्याज काट लेते हैं। प्याज को भी इस तरह से काटेंगे। आप तो टिंडा कई तरह का बनाते हैं, लेकिन आप एक बार इस तरह का टिंडा बनाइए। तो चलिए अब सब्जी छौंक लेते हैं। मैंने कुकर ले लिया है, गैस ऑन कर लिया है। इसमें हम तेल डाल लेंगे, 1 से 1.5 टेबल स्पून तेल। मैं सरसों का तेल ले रही हूँ। तेल को गर्म होने देते हैं। ये तेल अब गर्म हो गया है, सबसे पहले हम इसमें तेज पत्ता, दालचीनी और साबुत जीरा डाल देंगे। अब इसमें कटे हुए प्याज डाल देते हैं। फ्लेम को मीडियम में रखेंगे, प्याज को थोड़ा हल्का सा होने देते हैं। प्याज को 2 मिनट भून लिया है, अब इसमें कटी हुई हरी मिर्च डाल देते हैं। मिर्ची आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आपको जितना तीखा पसंद है। अब प्याज को हल्का ब्राउन होने देते हैं। प्याज हल्का सा ब्राउन हो गया है, इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। और इसमें हम कटा हुआ टमाटर डाल देते हैं। टमाटर को भी मैंने थोड़ा मोटा मोटा ही काटा है। और अब इसमें हम सब मसाले डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, बहुत हल्का सा तीखी लाल मिर्च, क्योंकि मैंने हरी मिर्ची डाला हुआ थी तो काफ़ी तेज मिर्ची है। और 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच है इसलिए मैं 1.5 चम्मच डाल रही हूँ। बहुत हल्का सा गरम मसाला, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। और अब इसमें हम नमक डाल देंगे। नमक में अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालना है। मसाले को टमाटर गलने तक का भून लेंगे। मसाला भून गया है, टमाटर एकदम गल चुका है। और अब इस पे हम कटे हुए टिंडा डाल देते हैं। टिंडे को 3-4 मिनट ऐसे मसाले में भूनेंगे। सब्जी को भूनते हुए 3-4 मिनट हो गया है, अब इसमें हम पानी डाल देंगे। मैंने 1 कप पानी डाला है। ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखेंगे, हल्का सा ग्रेवी वाला ही बनाएंगे, तो इसलिए मैंने 1 कप ही पानी डाला है। कुकर में ढक्कन लगा देते हैं।
तीन से चार सीटी आने तक का पकाएंगे सब्जी को। और फ्लेम को हम मीडियम में कर देते हैं। कुकर में तीन से चार सीटी लग चुके हैं। गैस को हम बंद कर देते हैं और इसमें का गैस निकलने तक का इंतजार करेंगे। जब गैस निकल जाएगा तब कुकर को खोलेंगे। कुकर में से गैस निकल चुका है, ढक्कन खोल लेते हैं। एक बार सब्जी को चेक कर लेते हैं। हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है। बहुत ज़्यादा ग्रेवी भी नहीं है और टिंडा भी बहुत अच्छे से गल चुका है। अब इसमें हम कटा हुआ धनिया पत्ता डाल देते हैं और सब्जी को सर्व कर लेते हैं। ग्रेवी वाली टिंडे की सब्जी बनके तैयार है। बहुत ही अच्छी सब्जी बनी हुई है। आप इसे दाल चावल के साथ खाइए या रोटी पराठे के साथ खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रेसिपी के साथ। धन्यवाद।